एमएल चौधरी एंड यू आर वॉचिंग एस ट्यूटोरियल्स। रक्षाबंधन के सभी को शुभकामनाएं। आज अपन पढ़ने वाले हैं कन्फ्यूजेबल वर्ड्स, और कन्फ्यूजेबल वर्ड्स में मैं आपके लिए कम से कम 5-10 वीडियो आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड करवाऊंगा। कुछ सिनोनिम्स के वीडियो भी, बहुत मैसेजेज आ रहे हैं लड़कों के कि सर आप, लेकिन मैं कोई दूसरे सेटअप में बिजी होने के कारण आपको इतने दिनों तक वीडियो नहीं दे पाया। एक मेरा लेटर राइटिंग का वीडियो है, वो भी पेंडिंग चल रहा है, तो मैं शीघ्र ही आपको लेटर राइटिंग का वीडियो भी प्रोवाइड करवाऊंगा। आज पार्ट 3 मैं आपको शूट कर दूंगा और लेट नाइट या कल सुबह तक मैं वो आपके लिए डाल भी दूंगा। आइए आज पढ़ते हैं थोड़े से कुछ कन्फ्यूजेबल वर्ड्स जो एग्जाम में बहुतायत में पूछे जा रहे हैं। देखो जरा, सबसे पहला वर्ड लिखा है मैंने असेंट। दोस्तों असेंट, ASENT, असेंट का अर्थ होता है सहमति या एग्रीमेंट देना या अपना कंसेंट देना। इसके लिए अगर आप एग्जाम में पूछा जाए आपको सिनोनिम, तो आप वर्ड कंसेंट भी यूज कर सकते हो सिनोनिम के लिए, या फिर कंसेंट कह सकते हैं सहमति के लिए। देखो, ही गेव हिज असेंट टू जॉइन द आर्मी, उसने आर्मी ज्वाइन करने के लिए अपनी सहमति प्रदान कर दी। देखो जो ये आप पढ़ते आ रहे हो, एस्केंडिंग ऑर्डर, डिस्केंडिंग ऑर्डर। एस्केंडिंग यानी चढ़ता हुआ आरोही क्रम, और डिस्केंडिंग यानी उतरता हुआ अवरोही क्रम। तो एस्केंट का अर्थ हो जाता है चढ़ाई। द असेंट टू सम माउंटेन्स इज वेरी स्टीप, स्टीप का अर्थ होता है बहुत ही तीखा चढ़ाई, बहुत ही अगर अचानक से चढ़ाई आ जाए तो अपन कहते हैं कि स्टीप है भाई ये रास्ता। द एस्केंट टू सम माउंटेन्स, कुछ पर्वतों का जो चढ़ाई है वो बहुत ही तीखी है, स्टीप है। आगे देखिए, दैट्स एक्सेंट, दैट्स एक्सेंट। एक्सेंट मीन्स लहजा या उच्चारण। मैं कहूँ कि सर आप इंग्लिश पढ़ाते हो लेकिन आपका जो एक्सेंट होता है वो काफ़ी राजस्थानी प्रतीत होता है, तो ये मेरा एक्सेंट लहजा है, बोलने का उच्चारण है। इसके लिए वर्ड आप एक्सेंट यूज करेंगे, तो असेंट, असेंट एंड एक्सेंट। ही हैज स्ट्रॉन्ग अमेरिकन एक्सेंट, उसका जो एक्सेंट है, लहजा है, वो स्ट्रॉन्ग है, अमेरिकन है। अब देखिए मैं यहाँ से एंटोनिम्स लेता हूँ इसके। एसेंट का एंटोनिम हो जाएगा डिसेंट, जिसका अर्थ हो जाएगा असहमति। ये वाला जो एस्केंट है इसका हो जाएगा डेस्केंट, जिसका अर्थ हो जाएगा उतराव, ये चढ़ाई है तो ये उतार हो जाएगा। और एक होता है कि मैं कहता हूं बंदा बहुत डिसेंट है, डिसेंट है, डिसेंट यानी सुशील बंदा है, बोलने में बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बढ़िया है, तो डिसेंट का अर्थ हो जाता है बढ़िया या बोलने में बहुत अच्छा। डिसेंट गाय, इज अ डिसेंट गाय, अपन बोलते हैं अचानक। देखो नेक्स्ट वर्ड आपका बिसाइड और बिसाइड्स, बहुत कॉमन है ये। बिसाइड का अर्थ होता है बगल में, और बिसाइड्स का अर्थ होता है के अतिरिक्त। कैसे याद रखोगे, बी साइड यानी साइड में हो जा, अपन किसी को ऐसे थोड़ी बोलते हैं साइड्स में हो जा, यही बोलते हैं साइड में हो जाए, बगल में हो जा, यानी बिसाइड यानी बगल में, और बिसाइड्स यानी के अतिरिक्त। वैसे भी देखो बिसाइड और बिसाइड्स में ये डिफरेंस है, इसमें एस अतिरिक्त है, तो इसका अर्थ हो जाएगा बिसाइड्स यानी के अतिरिक्त। मैं कहूँ सी इज सिटिंग बिसाइड मी, वो मेरे पास में बैठी है, ठीक है ना, और लहसुन खा के आई है, लहसुन की चटनी खा के आई है, इसलिए सी इज स्मेलिंग ऑफ गार्लिक ऑल्सो, वो लहसुन की उसमें बदबू आ रही है मुंह में। फिर मैं कहूँ बिसाइड्स द रामायण आई हैव द गीता, रामायण के अलावा मैं क्या रखता हूँ, द गीता। गीता इज नॉट मीन्ट हियर फॉर गीतोडी, गीता इज और इपिक, रामायण महाभारत द गीता, ऑल आर और होली बुक्स, एंड जितने भी अपने होली बुक्स हैं उनसे पहले अपने आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। आ जाइए नेक्स्ट, बहुत अच्छा वर्ड है कॉम्प्लीमेंट। आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण। द सब्जेक्ट हैज नो कॉम्प्लीमेंट, इस सब्जेक्ट का कोई कॉम्प्लीमेंट पार्ट नहीं है, पूरक पार्ट नहीं है, जो इसके साथ वाला पार्ट है। लेकिन यही आप वर्ड कॉम्प्लीमेंट में अगर LIMENT लिखते हो, आप कभी भी अच्छी DP लगाते हो व्हाट्सएप फेसबुक पे, तो वहां लोग आपको लिखते हैं ऑसम, मैजेस्टिक, मैग्नेटिक, कुछ ऐसे वर्ड्स देते हैं, और आप यहाँ लिखते हो थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट, आपने जो मेरा कॉम्प्लीमेंट दिया है, प्रशंसा की है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखो कुछ ऐसे ही वर्ड्स और होते हैं। एक वर्ड आपका होता है स्टेशनरी, ये स्टेशनरी की जो आपकी शॉप होती है, लेखन सामग्री, स्टेशनरी शॉप होती है। और अगर इसी स्टेशनरी को मैं NARY लिख दूं, तो इस स्टेशनरी का अर्थ होता है सहायक, जो सहायता करता है, असिस्टेंट टाइप, कोई भी चीज जो आपको काम करने में काम आ रही है स्टेशनरी है वो। नेक्स्ट देखिए, ये बहुत अच्छा है, पिछले एग्जाम में पूछा भी गया, थोड़ा सा बच के रहना इसे। देखो CORSE, कोर्स का अर्थ होता है खुरदरा, कोई भी कपड़ा होता है जो थोड़ा खुरदरा टाइप का हो, कोर्स पाउडर, जैसे एक तो अपना टॉक पाउडर आता है बहुत चिकना चिकना आता है, और एक जैसे
जिसमें बड़े दाने होते हैं खुरदरे खुरदरे से, तो अपन कहेंगे कोर्स। मैं कहूँ ये कोर्स सरफेस है, मैं कहूँ जो तू अपने गॉगल्स हैं वो किसी ऐसे कोर्स क्लॉथ से साफ मत कर, ये स्क्रेच पड़ जाएंगे इस पर। तो यहाँ कोर्स होता है CORSE। अगर वही कोर्स ये आपका कोर्स है तो ये आपका पाठ्यक्रम हो जाएगा। और यही कोर्स अगर ऐसे लिखा गया, आजकल यूज नहीं किया जाता, अरेकिक हो गया काफ़ी, लेकिन जो पुराना एक्सप्रेशन है इसमें कोर्स यूज होता है सब के लिए। सब बोले तो कॉप्स, ठीक है ना। अगर वही सब पशु का है तो इसको कैरेकस कह देंगे या फिर डेड बॉडी कहते ही अपन। तो ये देखो इस कोर्स का अर्थ है कॉप्स, इस कॉप्स का अर्थ होता है सब या लाश। अब एक वर्ड यहाँ से और निकल आता है, अगर यही कॉप्स ये कॉप्स ना होकर ये कॉप्स है CORPS, तो इसका अर्थ हो जाता है आपका कोई भी सैन्य टुकड़ी या फिर रक्षक दल या फिर मैं कह दूं पुलिस। तो ये थोड़ा सा होमोनिम्स कुछ इसी तरह के वर्ड है, ये कॉर्स यानी कॉप्स सव और ये हो जाएगा आपका कॉप्स पुलिस या फिर रक्षक दल। नेक्स्ट वर्ड देख लिए भाई, ड्यूअल और ये ड्यूअल। ये भैया इस ड्यूअल का अर्थ होता है दो व्यक्तियों के बीच होने वाली कुश्ती या फिर लड़ाई के लिए ड्यूअल वर्ड यूज होते हैं। जैसे एक वो राजपाल यादव और खल्ली वाली मूवी देखी है, उसमें खल्ली ने राजपाल यादव ने खल्ली से लड़ने की डेयर दिखाया है, साहस दिखाया है। तो मैंने लिखा ही डेयर्स टू फाइट ड्यूअल विद खल्ली, वो खल्ली के साथ द्वंद्व मल युद्ध लड़ने का साहस रखता है। ये ड्यूअल DUEL, जब यहाँ ये स्पेलिंग ये हो जाता है DUAL, तो इसका अर्थ होता है दोहरा। मैं कहूँ ही ड्यूअल नेचर, उसकी दोहरी नीति। मैं कहूँ माई हस्बैंड इज ऑफ ड्यूअल नेचर या माई वाइफ इज ऑफ ड्यूअल नेचर, मेरी बीबी है वो दोहरी नीति की है, जब उसका मन करता है तो उसका ऐसा बिहेवियर रहता है, अदरवाइज उसका रोल दूसरा रहता है। बहुत सारी मूवीज में देखते होंगे आप अभिनेताओं के ड्यूअल रोल रहते हैं, तो वहाँ इस ड्यूअल का अर्थ हो जाता है दोहरा। तो ये थे कुछ होमोनिम्स, कुछ और होमोनिम्स पढ़ेंगे। मैं पहले वीडियो में आपको 10 वर्ड्स दूंगा, देखते रहिए एसटी ट्यूटोरियल्स। जो आपका सबसे पहला वर्ड है वो राइट, दैट्स राइट 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 राइट। राइट का अर्थ होता है रस्म या फिर सेरेमनी। मैं आप कहते हो अंतिम संस्कार को आप क्या कहते हो, फ्यूनरल राइट्स कहते हो, यानी यहाँ राइट्स का संस्कार है वो भी एक प्रकार की सेरेमनी है। तो जब भी आप रस्म या सेरेमनी के लिखोगे तो ये RITS लिखोगे। ओनली ए फ्यू राइट्स वर परफॉर्म्ड इन हर मैरिज, उस लड़की की शादी में केवल कुछ एक से ही रस्में निभाई गई। ये राइट आप जानते हो, लिखना कंपोज करना, डोंट राइट। ये राइट होता है एक तो लेफ्ट का उल्टा राइट, दिस इज माई लेफ्ट हैंड दिस इज माई राइट हैंड। एक होता है राइट का अधिकार, मैं कहूँ टू वॉट इज माई राइट, मतदान करना मेरा अधिकार है। या फिर मैं कहूँ राइट रॉन्ग, रॉन्ग का उल्टा राइट सही, राइट लेग। या फिर मैं कहूँ दिस इज माय राइट डिसीजन, सही निर्णय था। या राइट यानी अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन आप कहते हो RTI। तो राइट के तीन अर्थ यहाँ से निकलते हैं। ये जो वाला राइट है ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना। इस राइट का अर्थ होता है बनाने वाला, कंपोज करने वाला, कंपोजर। मैं कहूँ ही जो वंडरफुल प्ले राइट, अपन कहते हैं ना वो प्ले राइट आर्टिस्ट है, तो वहाँ अपन क्या कह देंगे प्ले राइट। प्ले राइट यानी प्ले लिखने वाला, प्ले यानी कोई भी नाटक वगैरह या फिर कोई भी जो मंच पे परफॉर्म होते हैं वो कृत्य लिखने वाला। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, टेल यानी पूंछ, बचपन से पढ़ते रहे काऊ की टेल, काऊ हैज ए लॉन्ग टेल। जबकि ये जो TALE टेल होता है, इसका अर्थ होता है स्टोरी, स्टोरी यानी कहानी। माई मदर टोल्ड मी एन इपिक स्टोरी, मेरी माँ ने मुझे एक इपिक स्टोरी टोल्ड की। अब देखो जरा स्टोरी में भी अलग अलग है, ये स्टोरी तो हो गया कहानी और ये स्टोरी का अर्थ होता है मंजिल। मैं कहूँ मेरा 3 मंजिला मकान है तो 3 स्टोरी बिल्डिंग हो गई मेरी, वो समझ आ रही है बात। आगे देखो ये वर्ड है सेल और ये सेल यानी खेना या फिर तैरना। सेल बिक्री हो गया, एक्सचेंज फॉर मनी, दिस इज नॉट फॉर सेल, अपन कहते हैं ना ये प्रोडक्ट है वो बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है, दिस इज नॉट फॉर सेल। अब नेक्स्ट वर्ड लिया मैंने आपका सेल, सेल यानी टू ट्रेवल इन वाटर, तैरना, पानी में तैरना। शिप्स कैन सेल इन डीप सी ओनली, कि जहाज हैं वो केवल गहरे पानी में ही सेल कर सकते हैं, तैर सकती हैं, उनको खेया जा सकता है। ये रेस्ट आप जानते हो, आराम, रेस्पाइट पूछा जा सकता है एग्जाम में, वर्ड अच्छा है। रेस्ट का अर्थ होता है रेस्पाइट, आराम। आई वॉन्ट सम रेस्ट बिफोर स्टार्टिंग द न्यू प्रोजेक्ट, नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले मुझे कुछ रेस्ट चाहिए। ये रेस्ट, रेस्ट यानी स्नेच, झपट्टा मार के किसी पर जबरन छीन लेना, स्नेच बाय फोर्स इज रेस्ट। राम रेस्टेड बैग फ्रॉम मी, राम ने मेरे से एक बैग छीन लिया। नेक्स्ट वर्ड काफी इंटरेस्टिंग रहता है, रेज यानी उठाना, बचपन से गुरु जी कहते आ रहे हैं इफ यू हैव एनी डाइट रेज योर हैंड, यानी रेज योर हैंड यानी अपना हाथ उठाइए। फिर देखो ये होता है RAZD, रेज का अर्थ होता है नष्ट कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। द एनिमी बॉम्ब्स रेज द होल टाउन, एनिमी के जो बॉम्ब्स थे उन्होंने पूरे के पूरे टाउन को ही क्या कर दिया, रेज कर दिया। ये रेज संदरेज जानते हो आप, सूर्य की किरणें हैं जो 10 फीट अंदर तक के पानी में प्रवेश कर सकती हैं। और नेक्स्ट वर्ड आपका राइज, राइज यानी उदय होना। ये वर्ड थोड़ा सा
दिख लीजिए यहाँ से, थोड़ा आ नहीं रोगा सर कैमरा शूट में। राइज यानी उदय, द सन राइजेज इन द ईस्ट, अपन कह रहे हैं सन राइजेज इन द ईस्ट। अब देखो जरा एक बेसिक सा डिफरेंस, कई बार आपको एग्जामिनर यहाँ से चकाता है, रेज और राइज लिख देगा, थोड़ा सा इनको आप पहचानेंगे कैसे वो देखना आप, थोड़ा सा बहुत ही इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। देखो आप कहते हो रेज योर हैंड, मैं पूछू सर क्या उठाना है, आप कहोगे हाथ या पैर, यानी कि आपने क्या किसका आंसर पूछा, क्या का। और जिन वर्ब्स के साथ क्या का आंसर होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं, सकर्मक क्रिया कहलाती हैं, इनका कोई ना कोई आंसर जरूर होता है बोट का। लेकिन जो राइज है आपकी वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, यहाँ क्या का आंसर नहीं होगा। और इसके बाद वोट का आंसर यानी आपको कोई भी ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं मिलेगा, इनके बाद हमेशा आपको क्या मिलता है कि ऑब्जेक्ट मिलता है, इस बात का ध्यान रखना। तो जब भी अगर एग्जामिनर ये वर्ड लिखता है ना, इसके बाद अगर आपको कोई प्रेपोजिशन मिल जाए तो प्रेपोजिशन से पहले राइज आएगा, और अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट मिलता है तो फिर रेज आएगा। जैसे मैं कहूँ द गवर्नमेंट राइज द प्राइसेज ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, या रेज द प्राइसेज ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, क्या कह दूंगा, देखो रेज वॉट रेज द प्राइसेज, ठीक है ना। तो यहाँ आपका आंसर है यहाँ पे क्या का, जहां क्या का आंसर मिलता है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, और यहां अपन क्या कह देंगे रेज के बाद व्हाट या हुम का आंसर है, इसलिए आपका क्या आ जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। तो दोस्तों ये थे मेरे कुछ 10 वर्ड्स, एक्चुअली 10 वर्ड्स में मैंने 15 वर्ड्स के लगभग घुसा दिए हैं, फिर भी मैं कोशिश करूंगा आगे आपको लगातार वीडियो उपलब्ध कराऊं, क्योंकि इस वीडियो में ज्यादा टाइम लगता नहीं है मुझे शूट करने में, तो कोशिश करूंगा एक वीडियो ये और एक सिनोनिम का वीडियो मैं आप तक रोज पहुंचाता रहूं। धन्यवाद, देखते रहिए एसटी ट्यूटोरियल्स, मैं आपका चेता ML चौधरी।